विधानसभा चुनाव से जुड़ी एक और बड़ी खबर। 2022 के लिए 11 और उम्मीदवारों का ऐलान। लिस्ट सामने आते ही बढ़ गई सियासी हलचल। देखिए कौन कहां से लड़ने वाला है विधानसभा चुनाव। देखिए पहली लिस्ट में किसके लिए आई अच्छी खबर। चौंकाने वाली बात यह कि लिस्ट में राजा भैया का भी है नाम। देखिए कहां से इस बार चुनाव लड़ने वाले हैं राजा भैया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों के साथ ही दौर उम्मीदवारों के ऐलान का चल रहा है। हर किसी की नजर है कि कौन सी पार्टी कहां से किस उम्मीदवार को मैदान में उतारने वाली है। गजब की बात यह है कि सबसे ज्यादा इंतजार समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों का किया जा रहा है, क्योंकि आमने सामने की सियासी जंग इस बार सपा और बीजेपी में देखने को मिल रही है और हर कोई बीजेपी से ज्यादा सपा के उम्मीदवारों के नाम जानने के लिए बेताब है कि सपा इस बार किसके चेहरे पर कहां से दांव लगाएगी और किसकी किस्मत इस बार चमकेगी। इन सवालों के बीच ही 11 उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया गया है और उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आते ही सियासी हलचल प्रदेश में बढ़ गई है। अखिलेश यादव की तरफ से अब तक उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने के लिए माथापच्ची जारी है, लेकिन अखिलेश यादव से पहले उम्मीदवारों के ऐलान में उन्हीं के साथ रहे नेता ने बाजी मार दी है। दरअसल आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर कुंडा के बाहुबली नेता रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल ने 11 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। जनसत्ता दल की ओर से जारी पहली लिस्ट के मुताबिक राजा भैया प्रतापगढ़ की कुंडा सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। यूपी चुनाव को लेकर जनसत्ता दल की ओर से जारी की गई इस पहली लिस्ट के मुताबिक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया कुंडा सीट से तो विनोद सरोज बाबागंज सीट से ताल ठोकने वाले हैं। वहीं डॉक्टर सुधीर राय सोराव सीट से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा फाफामऊ सीट से लक्ष्मी नारायण जायसवाल और उरई सीट से विजय चौधरी अहिरवार मैदान में रहेंगे। गौरा विधानसभा सीट से श्याम नारायण वर्मा, कैसरगंज सीट से हजरत दीन अंसारी और माधवगढ़ से ब्रजेश सिंह राजावत ताल ठोकने वाले हैं। बिलसी सीट से शैलेंद्र मिश्रा, रॉबर्टगंज से वीरेंद्र मौर्य और जलेसरगंज विधानसभा सीट से धीरज धोवी को टिकट दिया गया है। राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक को चुनाव आयोग ने स्थायी चुनाव चिन्ह आरी आवंटित किया है। अभी तक इस पार्टी को अस्थायी चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया था। पहले राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल का चुनाव चिन्ह फुटबॉल खेलता हुआ खिलाड़ी था, वहीं इस बार वो आरी के साथ उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की लड़ाई में उतरेंगे और विरोधियों पर आरी के उम्मीदवार सियासी वार करेंगे। राजा भैया की तरफ से उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है, तब से सियासी हलचल बढ़ गई है और हर कोई अब जानना चाहता है कि अखिलेश यादव कब उम्मीदवारों का नाम उजागर करेंगे और कब उम्मीदवारों की लिस्ट सार्वजनिक की जाएगी। सपा की तरफ से उम्मीदवारों के नामों को फाइनल करने की कवायद लगातार जारी है, लेकिन अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि कहां से किसे टिकट मिलने वाला है और देरी सपा समर्थकों की बेचैनी बढ़ा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।